नमस्कार, अभय न्यूज के 8 फरवरी सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। जमाना लगातार बदल रहा है। सोमवार को महाकाल मंदिर में भी एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां किन्नर अखाड़े के किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी गिरी ने गर्भगृह में जाकर राजाधिराज को जल चढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कालों के काल बाबा महाकाल से हरिद्वार में आयोजित कुंभ का निर्विघ्न आयोजन करने की प्रार्थना की। मंदिर में दर्शन के बाद उनकी शिष्या साध्वी दीप्ति परमेश्वरी सिंह ने उन्हें स्वर्ण तलवार भेंट करी, जिसे कुंभ में किन्नर अखाड़े में स्थापित किया जाएगा। जबकि इसके कुछ ही देर बाद पहुंचे ADG डॉक्टर योगेश देशमुख ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गर्भगृह के बाहर से ही बाबा महाकाल निहारा। बता दें कि कोरोना काल से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर किन्नर लक्ष्मी नारायण ने कायदे कानूनों को ताक पर रखते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया। हालांकि IG का प्रभार ग्रहण करने पहुंचे ADG डॉक्टर योगेश देशमुख भी चाहते तो वे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन धर्म का झंडा उठाने वाले महामंडलेश्वर खुद ही बाबा महाकाल के दरबार में कायदे कानूनों का माखोल उड़ा रहे हैं। जय श्री महाकाल। पतित पावन उज्जैनी में अवंतिका भूमि पे हमारा आगमन हुआ। मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उर्फ लक्ष्मी नारायण नंदगिरी हम जूना अखाड़े के साथ है, और बहुत भाग्य से जूना अखाड़े के दोनों महामंडलेश्वर भी उज्जैनी आए थे, महेंद्रानंद गिरी और जय अम्बे गिरी। इस कुंभ 2021 का कुंभ जो हरिद्वार में होने जा रहा है, हम महाकाल प्रभु से यही आशीर्वाद लेने आए थे कि कुंभ विपता के बिना संपन्न हो। जिस तरीके से माँ अलखनंदा रुद्र रूप अवतरित हुआ है धरती पे, और अभी कुछ घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ है, वो मेरे महाकाल बाबा के आशीर्वाद से सब शांत हो और सुख और समृद्धि और शांति से और दिव्यता से कुंभ का समापन हो, करुणा मुक्त हो भारतवर्ष। और इस वक्त इस क्षण में मेरी बेटी दीप्ति परमेश्वरी सिंह ने किन्नर अखाड़े का जो शस्त्र है तलवार हमें भेंट किया है, स्वर्ण का तलवार, कनक का तलवार हमें भेंट में किया है और प्रदान किया है, और वो तलवार लेके हम पहले महाकाल बाबा के चरणों में रख के आशीर्वाद लेके, और उसी तलवार जो शस्त्र है हमारा किन्नर अखाड़े का, उसे हम महाकाल के आशीर्वाद के साथ हरिद्वार कुंभ में लेके जाएंगे। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने एक मुट्ठी मिट्टी कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत देश की हर विधानसभा से एक मुट्ठी मिट्टी एकत्रित कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन को दी जाएगी, जिससे भारत का नक्शा बनाकर प्रधानमंत्री को दिल्ली और पंजाब में चल रहे विरोध प्रदर्शन में जान गंवा चुके किसानों की याद दिलाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि बिल को वापस लेने की मांग की जाएगी। सोमवार को तराना विधानसभा के युवा कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र गुर्जर ने कार्यक्रम की शुरुआत की। तराना विधायक महेश परमार के निवास पर मिट्टी एकत्रित कर पूजन किया गया है। शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस देश के तानाशाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से उन्होंने पीछे के दरवाजे से बिना संसद में बहस किए इस देश के किसानों के ऊपर जो काला कानून थोपा है, उसके विरोध में हमारा अन्नदाता किसान साथी निरंतर हर रोज दिल्ली की बॉर्डर पर वहाँ पर आंदोलन कर रहा है, और कई किसान साथी हमारे उस आंदोलन में अपनी जान तक गंवा चुके हैं। उसी कड़ी में आज हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी ने इस देश के युवाओं से आह्वान किया है कि सब लोग अपनी विधानसभा से एक एक मुट्ठी मिट्टी लेके आए और वहाँ पर जाकर दिल्ली में इस मिट्टी का भारत का नक्शा बनाएंगे और किसानों को विश्वास दिलाएंगे कि इस देश की जो कांग्रेस पार्टी है और यूथ कांग्रेस हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ती रही है और आज भी आपके साथ खड़ी हुई है। उसके बाद इस मिट्टी को हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घर भेजेंगे और जो हमारे किसान साथी शहीद हुए उनकी याद दिलाएंगे और काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग करेंगे। आज मैं ताना से यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मैं यूथ कांग्रेस साथियों के साथ शाम को दिल्ली रवाना हो रहा हूं और ये मेरे ताना विधानसभा की मिट्टी लेकर मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट करूंगा।
सोमवार शाम 4 बजे तरणताल स्थित प्रेस क्लब भवन में SNUI कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान की शुरुआत की गई। NSUI जिला अध्यक्ष अंबर माथुर ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि भाजपा सरकार ने देश के युवाओं के साथ छल किया है। वर्तमान में ज्यादातर युवा डिग्री होने के बावजूद बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसके चलते संभाग में नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान की शुरुआत की गई है। इसके बाद जिला स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। आज हमने उज्जैन में संभाग स्तरीय नौकरी दो या डिग्री वापस लो हमारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। पूरे देश में सभी संभागों में आज ये जो कार्यक्रम है इसकी हमने लॉन्चिंग की है, और इसी को लेकर हम पूरे विधानसभा स्तर, जिला स्तर सभी दूर जाएंगे और यह प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। जो छात्र मोदी सरकार में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और जितनी भी मतलब छात्रों ने डिग्रियां ले रखी है, इंजीनियरिंग की ले लो आप, LLB की ले लो, MBA की ले लो, किसी भी चीज़ की ले लो, किसी भी छात्रों को नौकरियां नहीं मिल रही है। पहले भी आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को पता लगा है, और जो हमारे देश के मोदी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, और हमारे अमित शाह जी जो हैं, इन्होंने बोला था छात्रों को कि आप पढ़ लिख कर क्या करते हो, आप भजिए का ठेला और पापड़ का ठेला लगा सकते हो, छात्र ये भी लगा सकता है, छात्र ये भी कर सकता है, तो छात्र डिग्री क्यों ले रहा है। इसी के लिए आज हमने ये कार्यक्रम की लॉन्चिंग की है उज्जैन संभाग में, और इसी से हम पूरा डाटा इकट्ठा करेंगे और मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी उनको देंगे। और अगर इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा, मोदी सरकार के घर, मोदी का, नरेंद्र मोदी जी के घर का हमें घेराव भी करना पड़ा, तो हम वो भी करेंगे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 32वीं बटालियन के जवानों को पुष्पा मिशन अस्पताल में टीके लगाए गए। सुबह 9 बजे जवानों का जत्था जब पुष्पा मिशन अस्पताल में सरकारी वाहनों से पहुंचा, तो कुछ देर के लिए वहां खलबली सी मच गई। किसी आशंका से भयभीत आम जन को जब वस्तु स्थिति का भान हुआ, तो उन लोगों के चेहरे पर बरबस ही मुस्कान छा गई। दरअसल SAF के जवान वहां वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे थे। न केवल जवान बल्कि उनके मुखिया IPS सविता सोहाने ने भी कोरोना रोधी टीका लगवाकर आम जनता को ये संदेश दिया है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह बेबुनियाद है। मैं जैसा आप सभी को बताया कि वैक्सीनेशन की कार्रवाई जारी है, आज उसमें हमारे बटालियन का नंबर था, 4 जगह हमारे यहाँ पूरी बटालियन के कर्मचारियों को लग रहा है, आज 300 लोगों के नंबर आए हुए हैं, उसी के अंतर्गत आज मैंने भी यहाँ कराया, और हमारे यहाँ ये मतलब हर उसमें अलग अलग 4 जगहों पे हो रहा है, तो कहीं 70 कहीं 40 ऐसा कहीं पुलिस लाइन में भी हुआ है, तो कुल 300 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया मतलब है, और इसको लगाना जरूर चाहिए, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर किसी को लगता है कि सिर दर्द हो रहा है या हाथ दर्द हो रहा है, तो 1-2 घंटे रेस्ट कर सकते हैं, मन में किसी प्रकार का डर ना लाएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ रहें। कोई वैक्सीनेशन में जैसे हम बचपन में एक टीकाकरण होता था हमारा, वैसे ही है, और अभी भी 16 साल की उम्र तक वैक्सीनेशन होते हैं बच्चों को, तो थोड़ा सा हल्का सा बुखार या हल्का सा दर्द इस तरीके से होता है, तो इसको एक आम प्रक्रिया के अंदर ले, डरने की आवश्यकता नहीं है। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाड़ीदार आलू बड़ा, अंदाज नया है, स्वाद पुराना, जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में हमारा पता 29 वरुची मार्ग मालवा ग्राफिक्स के नीचे गुरुद्वारा चौराहा उज्जैन। महितपुर तहसील के गांव कटारिया में रविवार से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित गोपाल जी शर्मा द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के दौरान भाजपा नेता धीरेंद्र सिंह चौहान व अन्य जन प्रतिनिधियों ने भाग लेकर कथा वाचन का सम्मान किया, साथ ही आरती भी उतारी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कथा वाचक ने कहा कि जिस व्यक्ति ने भागवत गीता के सार को समझ लिया, उसे संसार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। भागवत कथा ही जीवन का सार है, इसमें जीवन से लेकर मरण तक हर स्थिति और उससे निपटने का उल्लेख किया गया है, साथ ही कठिन से कठिन परिस्थिति में जीत का मूल मंत्र भी बताया गया है, इसलिए विद्यालयों में गीता का पाठन अनिवार्य करना चाहिए। कथा के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण भी किया गया। चौहान साहब, राम सिंह जी आचार्य साहब, तूफान सिंह जी एवं ग्राम कटेरिया के सभी वरिष्ठ, मेरे अपने पिता सम्मान दूसरे चरणों में नमन करता हूँ। मेरे अपना हम उम्र युवा मित्र साथी आपको भी प्रणाम करता हूँ। माँ कहूँ, मामी कहूँ, मौसी कहूँ या काकी कहूँ या बुआ कहूँ, एक नहीं अनगिनित
देवी स्वरूप विराजमान समस्त माता के श्री चरणों में नमन करता हूँ। खाचरोद में संचालित डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 4 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विवेकानंद की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उनकी घोषणा पर अमल नहीं किया गया है। स्वामी विवेकानंद देश का गौरव है, जिसके चलते जल्द से जल्द उनकी प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए, अन्यथा प्रदर्शन किया जाएगा। अंजुश्री होटल के पीछे रहने वाले टोल मैनेजर नदीम शेख के बैग से 50,000 चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है। टोल मैनेजर के घर में काम करने वाली नौकरानी ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। नागजरी थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर घटना का खुलासा कर दिया है। नदीम शेख नागदा रोड स्थित चक्रावदा टोल टैक्स पर मैनेजर है। रविवार को वे टोल की करीब 3.5 लाख रुपए नकदी लेकर घर लौटे थे। इसके बाद जब वे नकदी जमा करने पहुंचे तो बैग से 50,000 रुपए कम निकले, जिसकी शिकायत नदीम ने नागजरी थाने में की। नागजरी थाना पुलिस को मामले में सबसे पहली शंका नौकरानी पर ही हुई थी, जिससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल कर लिया है। नागजरी थाना पुलिस ने गाजियाबाद और मेरठ के 2 ठगुरों को गिरफ्तार किया है, जो कि ट्रू कॉलर में गड़बड़ी कर ऑनलाइन ठगी की घटना को अंजाम देते थे। मेरठ के रहने वाले गुलदीप कुमार और गाजियाबाद के पूनिया नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर करीब 2 वर्ष पहले बैंक ऑफ इंडिया से मारुति के रुकमणी शोरूम के नाम से धोखाधड़ी की थी। गुलदीप ने बैंक मैनेजर मनीषा भार्गव को फोन लगाकर खुद के अकाउंट में 2,70,000 रुपए RTGS करवाए थे। खुद को रुकमणी शोरूम का मैनेजर संजय बहती बताते हुए धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के अनुसार ठगोरे ट्रू कॉलर में गड़बड़ी कर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। ठगी के वक्त बैंक मैनेजर के फोन पर रुकमणी शोरूम मैनेजर संजय बहती नाम शो ऑफ हुआ था, जिस वजह से बैंक मैनेजर ये समझ नहीं पाई कि उनके साथ ठगी हो गई है। जब शोरूम के अकाउंट की जांच की गई तो ठगी की वारदात के बारे में पता लगा, जिसके बाद नागजी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद से ही पुलिस ठगोरों की तलाश में थी, जिन्हें 2 साल बाद अब पकड़ा जा सका है। इंगोरिया चिमली के बीच कारों की आमने सामने टक्कर में एक की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं। गौतमपुरा के रहने वाले आसिफ अपने गुरु महाराज जिब्रिल बल्ली के साथ मारुति वैन क्रमांक MP09BC9047 से कोटा जा रहे थे। इसी दौरान इंगोरिया के समीप ग्वालियर से उज्जैन की तरफ आ रही टाटा टेगोर MP07CH7397 से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मारुति वैन में बैठे गुरु महाराज जिब्रिल बल्ली की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि वैन और कार में बैठे आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची इंगोरिया थाना पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जबकि शव को पीएम के लिए बड़नगर अस्पताल में पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि मारुति वैन सवार महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आ रहे थे, लेकिन इसके पहले ही दुर्घटना के शिकार हो गए। मामले में इंगोरिया थाना पुलिस जांच कर रही है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू, सभी सुख सुविधाओं से लैस फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। सोमवार को सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा दर्जन भर गांवों में अभियान चलाकर नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। 9 फरवरी को नवागत कमिश्नर संदीप यादव विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य श्यामला एस कुंदर ने महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय वैदिक तथा विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य अधिकारियों की बैठक लेकर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में लापरवाही बरतने के चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने तराना और महितपुर सीएमओ को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते दोनों पर जल्द ही निलंबन की गाज गिर सकती है। मिलावटखोरों से सख्ती से निपटने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने उन पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आता है तो इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।